राजस्थान सरकार के बजट में प्रतापगढ़ को मिली बंपर सौगात के तहत विधायक रामलाल मीणा का आज जुलूस के रूप में भव्य स्वागत किया गया एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया गया। जिला प्रवक्ता विधायक मीडिया प्रभारी मोहित भावसा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक मीणा के भव्य स्वागत जुलूस के रूप में सिद्धपुरा टोल नाके से जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ इसके बाद ये वाहनों का काफिला गांधी चौराहे पर पहुंचा जहां पर भव्य सभा हुई। इस अवसर पर प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों कर्मचारी संगठनों प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन एवं पुलिस के जवानों आमजनों और कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर इनका स्वागत किया गया। विधायक मीणा ने कहा कि इस बार प्रतापगढ़ की जनता काम को वोट देगी। इन्होंने युवाओं कर्मचारियों और किसानों का रुख बताते हुए कहा कि अब पुरानी भ्रांतियां नहीं चलने वाली है और इस बार बहुमत के साथ पूरा कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि प्रतापगढ़ में प्रचलनता के 35 सालों का राज था उसको भी बदल दिया। यहाँ की जनता ने अब प्रतापगढ़ की जनता जागरूक हो गई है और विकास को वोट करने लगी है, इसलिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला प्रमुख तक कांग्रेस के बने हैं। विधायक मीणा ने कहा कि विकास में कोई कमी नहीं आएगी। प्रतापगढ़ में 70 नई पंचायतें, 3-3 पंचायत समिति, कन्या महाविद्यालय और अब नए बजट में कृषि महाविद्यालय की सौगात प्रतापगढ़ को मिली है। वहीं नर्सिंग महाविद्यालय, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की सौगात, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 554 गाँवों में 1620 करोड़ की लागत से जाखम बांध से प्रतापगढ़, धमोतर, अरनोद, दलोट, सुहागपुरा के घरों में पानी पहुँचेगा, ये बहुत बड़ी योजना है। प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई परियोजना के सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 200 करोड़ की लागत से करवाना प्रस्तावित है। वहीं लहसुन के लिए भी प्रतापगढ़ में अनुदान मिलेगा। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की